हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। तू देख डॉक्टर तू है कि मैं? सिस्टर इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। पर डॉक्टर साहब मेरे तो पैर में दर्द है। चुपचाप चल। डॉक्टर तू है कि मैं? अरे यार आज तो सुबह से एक भी पेशेंट नहीं आया, कोई तो आ जाए। अरे आ रहा है लगता है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट देखिए ना। अरे आपकी तो एक किडनी फेल हो गई है। किडनी फेल हो गई है? हाँ। किडनी कैसे फेल हो सकती है डॉक्टर साहब, मेरी किडनी तो कभी स्कूल ही नहीं गई। कैसे कैसे पेशेंट आ जाते हैं, इससे अच्छा तो ना ही आए। हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट चेक करिए ना। अरे आपके गुर्दे में तो पथरी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? आपका गुर्दा निकालना पड़ेगा। अरे आप पत्थरी निकालिए ना, गुर्दा निकालने का क्या फायदा? हम तो गुर्दा ही निकालेंगे, पत्थरी निकालने का हमें क्या फायदा। Run. हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। डॉक्टर साहब आपको टांके लगाने आते हैं क्या? डॉक्टर हूँ, टांके लगाने तो आते ही होंगे ना। डॉक्टर साहब मेरी चप्पल टूट गई है, टांका लगा दीजिए ना। Run. हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब कल से मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है मैं देखता हूँ। देखो तुम्हारे पेट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, जितना हो सके जूस पियो और फ्रूट्स खाओ। और एक बात का ध्यान रखना, फ्रूट्स छिलके समेत खाना है, छील के नहीं खाना। The next day. डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। रुको मैं देखता हूँ। क्या खाया था? डॉक्टर साहब फ्रूट्स। नोप। छिलके या छिलके समेत? छिलके समेत डॉक्टर साहब। कौन सा फ्रूट खाया था? डॉक्टर साहब नारियल। हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब कल से पथरी का दर्द बहुत ज्यादा है। ठीक है मैं देखती हूँ। देखिए अगर दर्द ज्यादा है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब कर दीजिए, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सिस्टर इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो और दो फूलों की माला भी ले चलना।
डॉक्टर साहब फूलों की माला क्यों? अगर ऑपरेशन सफल रहा तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे लिए। Run. हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब मेरे दांत बहुत दर्द कर रहा है। तुम्हारा दांत तो टूट चुका है। हाँ डॉक्टर साहब वही वाला दर्द कर रहा है। लेकिन ये टूटा कैसे? डॉक्टर साहब मम्मी ने बहुत कड़क रोटी बनाई थी तो खाने से मना कर देते। वही तो क्या था डॉक्टर साहब,